हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। अभी तो सर्दियों का दिन है तो मटर, गाजर ये सब चीज़ अभी बहुत अवेलेबल है बाज़ार में। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर ले लिया है और यहाँ पर हम 200 के करीब मटर है, धनिया पत्ता है, थोड़े से गाजर है जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। यहाँ पर अदरक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, इस टमाटर का हम पेस्ट अभी बना लेंगे, गरम मसाला का पेस्ट है और कसूरी मेथी है, धनिया पत्ता है। अभी हम मटर को बॉईल कर लेंगे थोड़ा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी, इससे इसका कलर चेंज नहीं होगा और जो मटर का मिठास है वो बरकरार रहेगा। और पानी डाल के इसको हम एक उबाल लेंगे। हमने अदरक लहसुन को एक कटोरी में ले लिया है और इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अनुसार इसके अंदर मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। टमाटर को पीस लिया है हमने, मटर को बॉईल कर लिया है और इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको मसाला के साथ इसको हम भून लेंगे। हमने पनीर को हल्का फ्राई कर लिया है। अभी हम उसी तेल में एक तेज़ पत्ता डाल दिए हैं और एक चम्मच साबुत जीरा डाल दिए हैं। हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखे हैं, इसको हम तेल में डाल देंगे। जीरा हमारा तड़क चुका है, हम प्याज को डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन भूनेंगे। प्याज भून चुका है, इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बाद में फिर से हम टेस्ट के अनुसार रख लेंगे नमक। फिर से नमक डालेंगे तो ये टमाटर छिपकेगा नहीं। टमाटर हमारा भून चुका है, हमें इसमें डाल देंगे मसाला और इसमें हम डाल देंगे हल्दी। इसको भून लेंगे हम अच्छी तरह से। मसाला एक बार तेल छोड़ चुका है, हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के भूनेंगे। इस तरह भूनने से मसाले का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार और इसको भून लेंगे, एक बार और अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे मसाले को एकदम तेल छोड़ने तक। मसाला जितना अच्छे से भुनता है सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया है, हम इसमें कटा हुआ गाजर डाल देंगे। गाजर को 2-3 मिनट भून लिया, अब हम इसे मटर डाल के 2-3 मिनट भूनेंगे। मटर को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को भी हम 2-3 मिनट हल्के हाथ से भूनेंगे, पनीर टूटे नहीं क्योंकि पनीर बहुत नरम होता है। इसी समय हम कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और भूनेंगे हम अच्छी तरह से कम 4-5 मिनट तो हम इसको भूनेंगे। सब्जी अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए तेल अलग हो गया है, मसाला बहुत अच्छी तरह से खुशबू निकल रहा है, बहुत ही टेस्टी। हम इसमें क्योंकि मसाला सब्जी हर चीज़ पक चुका है, हम उतना ही पानी डालेंगे जितना हमको ग्रेवी चाहिए। और अब इसको उबलने देंगे, हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। तो मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे, इसका प्लेटिंग करेंगे। दोस्तों मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है, आप एक बार ये रेसिपी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए हमारे वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी रेसिपी के साथ।